सूबे के अंदर जैसे अभी इंडिया में मोदी साहब ने बोला स्मार्ट सिटीज बनाना है, जो स्मार्ट सिटीज आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया के अंदर सब ये कोई सोच रहा है कि हम सिर्फ ओपन लेन में जाकर बना पाएंगे। हमने जो प्रोजेक्ट मजासवाड़ी करके हमने ये जो लिया हुआ है, ये स्लम स्कीम के अंदर स्मार्ट सिटीज कैसे बन सकती है और लोगों के सहयोग से और कैसे एक साथ में 15 से 20 हज़ार घर जुड़कर ये एक स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट और सपना कैसे पूरा किया जा सकता है। ओपन ज़मीन में तो कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर स्लम स्कीम के अंदर स्मार्ट सिटी का अगर कोई प्लानिंग करता है तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट पहला बनने जा रहा है जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखेंगे या जो यहाँ के एमिनिटीज़ वाइज देखेंगे या जो कम्युनिटी वाइज देखेंगे। यहाँ पे हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई लोग रहते हैं और दोनों ने मिलकर जो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है ये सराहनीय है। ऐसा बहुत ग्रुप्स आकर इस तरीके के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देवे और वो जानते हैं कि भाई हम लोगों को पता है कि हमारी ज़िंदगी तो शायद निकल गई लेकिन हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन कैसे बेहतरीन ज़िंदगी जिया जा सकता है। स्लम स्कीम जो है बॉम्बे के अंदर स्लम रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत बहुत सी स्कीमें हुई है। ओमकार एक उसके अंदर अग्रणी कंपनी है जो हम लोग बहुत से प्रोजेक्ट्स, गए साल भी हम लोगों ने 9,000 झोपड़े वालों को घर दिए और इस साल भी 10,000 झोपड़े वालों को घर हम दे रहे हैं। तो हर साल साल दर साल ओमकार का जो पेस है रीडेवलपमेंट के अंदर लोगों के सहयोग से बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है और ये प्रोजेक्ट हमने एक बीड़ा उठाया है कि किस तरीके से एक टाउनशिप बसाई जा सकती है। आज तक सब लोगों ने छोटे छोटे रीडेवलपमेंट्स तो बहुत किए लेकिन क्या 70 एकड़ 100 एकड़ का रीडेवलपमेंट बॉम्बे में पॉसिबल है? तो गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है। अब देखिए थोड़े दिन पहले स्मार्ट कार्ड का जो सर्वे है गवर्नमेंट ने यहाँ से शुरुआत की थी, सबसे टफेस्ट एरिया बोला जाने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत स्मूथली स्मार्ट कार्ड का काम चल रहा है। तो ये एक नए तरीके का प्रोजेक्ट का आगाज है। हम लोगों ने आज फर्स्ट फाउंडेशन ले कर रहे हैं जहाँ पे अब ये 1800-2000 लोगों के झोपड़े बनते हैं और घर बनेंगे और 4 से 5 फेज में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा और रिहैबिलिटेशन के साथ में ये पूरा प्रोजेक्ट हम 7 साल के अंदर कम्प्लीट करेंगे। सर ऐसा देखा जाता है झोपड़पट्टी को आप खाली करके खड़ी झोपड़पट्टी बनाते हैं, मतलब उनको वो फीलिंग ही नहीं आता है कि वो फ्लैट में रह रहे हैं, आप खड़ी झोपड़पट्टी खड़ी कर देते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का इस ये, में क्या यही बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि बॉम्बे के अंदर आप पहले देखेंगे कई जगह पे डेवलपमेंट्स जो हुई है वो डेवलपमेंट आधी डेवलप झोपड़पट्टी की जगह खड़ी झोपड़पट्टी हो गई है। ये ट्रेंड एज अ ओमकार ने सिर्फ चेंज किया है कि बाकी सब लोग क्या करते हैं कि जो सेल बिल्डिंग है वो सिर्फ एलएनटी या अच्छा कंपनी से काम करवाते हैं और रिहैबिलिटेशन का जो काम है वो शायद उस तरीके का अच्छा नहीं ला पाते वो लोग। एज अ ओमकार हम लोगों ने आज तक जितने भी घर दिए हैं 90% डेवलपमेंट हम लोग एलएनटी या उस तरीके की कंपनी से काम करवाते हैं जिस तरीके से जो क्वालिटी है उसकी वो खड़ी झुपड़पट्टी ना लगे। वो सेल बिल्डिंग और स्लम्स की बिल्डिंग में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं हो। यहाँ से थोड़ी दूर जाएंगे अगर आप मलारका हमारा प्रोजेक्ट देखेंगे तो वहाँ पे एलएनटी ने रिहैबिलिटेशन का काम पूरा किया हुआ है। तो उसके अंदर लोग हमें पूछते हैं कि साहब ये सेल बिल्डिंग है या रिहैब बिल्डिंग है, तो अचरज है। तो ये एक नया ट्रेंड बॉम्बे के अंदर ओमकार ने स्टार्ट किया है कि जो झुपड़पट्टी वालों की जो बिल्डिंग है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनियों से बनाई जाए, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारे स्लम डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे रिहैबिलिटेशन करना है हमको, वो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, वो भी हमारे कस्टमर्स हैं। मैं उनको कोई बहुत डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मुझे अगर फ्लैट सेल करना है तो जिस तरीके की ट्रीटमेंट हम हमारे सेल कस्टमर्स को देते हैं वैसे ही सेम ट्रीटमेंट या उससे ज़्यादा ट्रीटमेंट हमारा जो स्लम डेवलपर्स हैं उनके साथ रहता है, क्योंकि प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए उनका जो सहयोग मिलता है। शायद सेल वाले तो जब फ्लैट तैयार होता है तब आते हैं, ये हमारे पार्टनर्स एक्चुअल पार्टनर्स होते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन के अंदर और उनको एमिनिटीज़ के अंदर बिल्कुल भी हम लोग का कंजूसी नहीं करते। लोगों का किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर? हम देख रहे हैं कि काफ़ी लाखों की तादाद में लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है उनसे? क्योंकि नॉर्मली लोग एग्री नहीं होते कि हमारी झोपड़पट्टी तोड़ कर उन्हें बिल्डिंग है, तो उनका किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? ये मैं बहुत गर्व से कहूँगा कि जो मजासवाड़ी का डेवलपमेंट है वो ओमकार के लिए एक बहुत अच्छी सहानुभूति, मतलब बोलते हैं ना अच्छी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे जो दो कम्युनिटी रहती है दोनों का मिलके किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि ये डेवलपमेंट ना कोई उसमें यहाँ पे मंदिर आएगा यहाँ मस्जिद आएगा। हम सब जगह पे जहाँ पे हमारी मस्जिद वगैरह बनी हुई है जहाँ पे हमारे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है उन जो कमिटीज उनकी जो ट्रस्टीज उनसे चर्चा करके हमने पूरी प्लानिंग की गई है। तो ये जो डेवलपमेंट यहाँ का लोगों का सपोर्ट है वो शायद
ऐसा लगता है कि हमको हमारी नजर लग जाए, इतना ज़्यादा हमको सपोर्ट मिला। ट्रांसपेरेंटी की बात करें तो सर बहुत सारे मुंबईकर ऐसे हैं जो बिल्डर का के धोखाधड़ी के शिकार बने हैं। जगह खाली तो करवा दी जाती है, भाड़े के वादे तो कर दिए जाते हैं, पर भाड़ा और जगह वापस लेने के लिए चप्पल घिस जाते हैं मुंबईकरों के खास करके। तो इस बात का आप लोगों ने कितना ध्यान दिया? देखिए अभी वैसे भी गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। एज अ कंपनी हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं, मुझे नहीं लगता कि हमको वहाँ पे कहीं पे भी प्रॉब्लम है। लेकिन गवर्नमेंट ने भी जो इस तरीके के डेवलपर्स हैं उन डेवलपर्स के ऊपर नकेल कसी है, और जो हमारे CEO SRA हैं उन्होंने बोला है कि जो लोग खाली करके चले गए हैं उनका जो रेंट है ऑलरेडी उनको पहले दिन से डिपॉजिट करना पड़ेगा, अदरवाइज उसका प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा ओंकार अगर आप मुझे पूछेंगे, ओंकार के अंदर हम लोग 11 महीने का या 22 महीने का एडवांस ही भाड़ा दे देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हमारे स्लम डेवलपर्स को इस तरीके की तकलीफ आती है। आपको लगता है ऐसे बिल्डरों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो जनता के साथ धोखाधड़ी करते हैं? मुझे लगता है कि अगर जो कोई कारण से डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके अंदर हमारे स्लम डेवलपर्स जो हमारे रहने वाले लोग पिसने नहीं चाहिए, सालों साल वो घर के आशा के अंदर रखने नहीं चाहिए, उनकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर वाकई बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए हैं और भी लेने चाहिए। उनका भी आपने बताया कि स्मार्ट सिटी ध्यान में रखते हुए वो सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे विशेष तौर के बनाए, क्या है आपके जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है जो हम सब चाहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर कितने स्मार्ट सिटीज़ बने। वो स्मार्ट सिटीज़ के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रोड, गार्डन, रिलीजियस स्ट्रक्चर और दोनों तरीके के लोग यहाँ पे सेल्स वाले और अपने रिहब वाले लोगों के लिए जो एमिनिटीज़ है, ये अलग तरीके की थॉट प्रोसेस के साथ हम लोग आ रहे हैं। तो ये स्मार्ट सिटी का जो चैलेंज है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इस स्मार्ट सिटी का चैलेंज क्या एरिया है जो उसमें जो SRA स्कीम है उसमें लोग कम दे सकते हैं ज़्यादा दे सकते हैं, ये आप चले जाइए बोलिए। प्लस जो कि हम लोग कुछ एरियाज जो पैसेज वगैरह में जो मिलता है वही मिलेगा, वो आप और हम कोई किसी के वजह से उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। बोला उनको उनके पूछने बोला 1/2 में क्या करते हैं? देखिए जो ऊपर वाले के लिए है उसमें अभी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लानी है, तो शायद उसके ऊपर कमेंट करना गलत होगा। तो गवर्नमेंट देखिए ये स्कीम गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसके अंदर डेवलपर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। मेरी बहुत अच्छी विश हो कि भाई यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं उनको कुछ ना कुछ अच्छा मिले, लेकिन गवर्नमेंट ने इतने हाथ टाइट करके रखे हैं कि हम चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे, जो रेगुलेशन में वही हो पाएंगे। सर GR की बात करें तो अभी फिलहाल 269 का GR है, अगर आगे बढ़ता है GR सरकार की तरफ से तो उसमें आप लोगों का क्या 269 का अगर सरकार बढ़ाती है तो आप भी बढ़ा के देंगे या वही रहेगा? देखिए वो तो हम तो बहुत खुश हैं अगर गवर्नमेंट इस तरीके का कुछ एरिया लोगों को बढ़ा के देवे। जैसे पहले 180 फुट था, फिर 225 फुट हुआ, फिर 270 फुट हुआ, परमिशन आने के बाद में भी अगर हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है तो हम जल्दी से कन्वर्ट करके वो लोगों को बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। और मैं बहुत खुश होता हूँ कि हमारे यहाँ पे स्लम या जो प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों को जितना ज़्यादा एरिया मिले हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू।
सुंदर आहे. मग पहिल्या फेजचं आज उद्घाटन होत आहे. कशा पद्धतीनं एस आर आहे आणि त्याच पद्धतीनं ओमकार यासाठी सहयोग असणार आहे? परत म्हणजे जी एस आय जो सर्वे चाललेला आहे ही वेगळी पद्धत आणि आता जे माजी मिनिस्टर प्रदीप गांधी आपने जो प्रश्न पूछा उसके अंदर दो आंसर है. जीआईएस सर्वे है वो इसके लिए ले रहे हैं हम लोग कि एनेक्शन टू में तकलीफें होते हैं. साल साल दस दस साल एनेक्शन टू नहीं मिलता है. वो मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से हो या माड़ा के माध्यम से हो, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग लिया था माड़ा में और तभी दोनों को डायरेक्टिव दिया है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एनेक्शन टू देना चाहिए. मगर उतना जल्दी नहीं हुआ करके वो हम लोग ने एसआरए को दिया कि तुरंत एनेक्शन टू नहीं मिलने के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट है वो बंद थे. और इधर के बारे में आप कहेंगे गांधीनगर के एरिया का ये प्रोजेक्ट है, एक बहुत सालों से इधर के लोगों ने ये एसआरए लाने का कोशिश किया था, बिल्डर भी लाया था मगर कई कारणों की वजह से वो रुका था. अभी ओमकार बिल्डर जो है उन्होंने हाथ में लिया है, टेकओवर किया है और आज उसका भूमि पूजन हो रहा है. मुझे भी खुशी हो रही है. मैंने एक लफ्ज़ बोला था इलेक्शन के टाइम में, मुझे झोपड़पट्टी मुक्त जोगेश्वरी करनी है और उसके लिए कौन बिल्डर आता है ये मुझे मायना नहीं रखता है, कौन अच्छा काम करता है ये मायना रखता है. और इसलिए मैं यहाँ आके आज भूमि पूजन मेरे हाथ से हुआ है. एक जोगेश्वरी का विकास होना चाहिए, मुंबई का विकास होना चाहिए, यही हमारा शासन का दृष्टिकोण रहेगा. सर एक महत्त्वाचा प्रश्न, महाराष्ट्रात लॉटरी लागली तुम्ही मग गेल्या वेळी म्हणाल होतं का महाराष्ट्रची घरं जी आहेत ही महाग आहेत, मात्र त्यानंतरही लॉटरीचा संदर्भ सुरूच आहे. सर्वसामान्य मुंबईकर त्याच पद्धतीने बाहेरचे लोक जे आहेत लॉटरी संदर्भात अंतर्भूत होत आहेत? नक्की नक्की, कालच मी याच्यावरती एक पवईच्या बाबतीमध्ये ज्या वेळेला महाराने 2011 आणि 2012 वेळेला लॉटरी काढली होती त्यावेळेला त्याचा रेट दिला होता 35 लाख रुपये आणि त्याच्यानंतर 15 लाख रुपये वाढवले. त्या अनुषंगाने कालच मंत्रालयामध्ये काही आमदारांनी माझ्याकडे रिप्रेझेंटेशन केलं होतं आणि त्या पद्धतीने काल एक बैठक घेतली महाराजा अधिकाऱ्यांना. तुम्ही ज्यावेळेला लॉटरी काढता त्यावेळेला लॉटरी असं समजून की तुमची घरं तयार आहे आणि त्याची किंमत पण तुम्ही ठरवली असते की 35 लाख. आता 35 लाख झाल्यानंतर कुठलीही वाढ आली तर 10% किंवा 15% वाढ होऊ शकेल, 40% नाही आहे. आणि म्हणून त्यांनी ज्या काही मला शंका कुशंका सांगितल्या त्याच्यावरती मी काही मला त्या पटलेल्या नाहीत. कारण एखाद्याला त्यांनी त्यांच्यामध्ये लेट का झाला म्हणून त्याच्यामध्ये की त्याचे 37 हजार त्याच्यामध्ये लावलेले आहेत. ओसी नाही मिळाली हा का लोकांचा प्रश्न आहे आणि म्हणून आत्ता नवीन ज्यावेळेला लॉटरी काढू त्यावेळेला ओसी ज्या बिल्डिंगला असेल जो काही खर्च प्रत्यक्षात झालेला असेल तोच प्रत्यक्षातला खर्च हा त्याच्यामध्ये घेतला पाहिजे. दुसरी गोष्ट यामध्ये दुसरं पण एक दिसतंय की म्हाडाचं ज्यावेळेला बांधकाम करतं त्यावेळेला शासनाच्या माध्यमातून असलेल्या जागा आहेत मग त्या बाहेरच्यापेक्षा देखील स्वस्त असल्या पाहिजे. आणि म्हणूनच माननीय पंतप्रधान आणि माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय शिवसेना प्रमुखांच्या बाबतीमध्ये आम्ही घेतलं होतं की 40 लाख झोपडपट्टीवाशांना आपण घरं जी देणार होतो त्यातलंच ॲफोर्डेबल घरं देखील आता देण्याचा आमचा प्रयत्न झालेला आहे. मुंबई रिजनमध्ये जागा नसल्या कारणाने मुंबई रिजनच्या बाहेर एमआरडीए रिजन आहे त्या रिजनमध्ये आम्ही म्हाडाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना आणि कलेक्टरना आणि जे आमचे संबंधित अधिकारी आहेत सीओ आहेत त्यांना सांगितलेलं आहेत की अशा जागा घ्या आणि त्या जागेवरती ॲफोर्डेबल घर पंतप्रधान आवास योजना या माध्यमातून आम्ही ती अफोर्डेबल घरांची योजना मोठ्या प्रमाणात राबवतो. सर रेडी रेकनर दर जे आहेत हे मार्चपर्यंत वाढणार नव्हते असाही संदर्भ होता, मात्र आता मार्च महिना अवघ्या काही महिन्याबरोबर चाललेला आहे. कशा पद्धतीने रेडी रेकनर दर वाढणार आहेत? सर्वसामान्य मुंबईकर जे आहेत त्यांना ही घरं मागली जाणार? गेल्या वेळेला याच्यावरती देखील बैठक झाली होती. रेडी रेकनर दर याच्यामध्ये खूप व्हेरिएशन आहे. काही ठिकाणी चांगले एरिया असतात त्यालाच धरून मग स्लम असतो, मग त्या स्लमचं काय याची डेफिनेशन देखील व्यवस्थित झाली पाहिजे. या दृष्टीने मी ज्यावेळेला आमदार होतो त्यावेळेला मी माझं प्रेझेंटेशन दिलं होतं. मी त्या बाबतीत देखील कलेक्टरना बोलवून याच्यामध्ये सिम्प्लिफाय जसं करण्यात येईल आणि रेडी रेकनर याच्यावर कॉन्स्टंट ठेवायचे आत्ता आम्हाला याच्यासाठी की मार्केट हा जरा स्लो आहे. म्हणजे हाऊसिंगच्या बाबतीमध्ये लोक आता सध्या घरं घ्यायला मागत नाही, याच्या मागची 2-3 कारणं आहेत. याच्यामागे डी पी जो येणार आहे त्याच्या बाबतीमध्ये असतील, काही धोरणं जे येणार आहेत ते असतील, हाऊसिंग धोरण आहे ते आता आम्ही कार्यान्वित करतो या 1-2 महिन्यामध्ये आणि त्यामुळे वेट अँड वॉचच्या परिस्थिती माणसं आहे, त्यामुळे रेडी रेकनरचा रेट वाढवू नये याच्या बाबतीमध्ये देखील माझं स्वतःचं मत देखील तेच आहे. सर आताच नुकतंच मुंबईतील मोकळे भूखंड संदर्भात निर्णय झालेला आहे, भाजपानं जे आहे गोपाळ शेट्टी जे आहेत भाजपाचे खासदार यांच्याकडे जे भूखंड होते त्यांनी ते भूखंड द्यायची तयारी. माझं पण नाव घ्या ना, काय फरक नाही पडत. शिवसेनेचे कडे तुमच्याकडे या ठिकाणी भूखंड आहेत, मात्र अजूनही शिवसेनेकडनं भूखंड जे आहेत मुंबई महानगर नाही. पहिलं ते एक लक्षात ठेवा, ज्या वेळेला जी पॉलिसी येते त्यावेळेला दत्तक पॉलिसी होती आणि केअरटेकर पॉलिसी होती, या दोन पॉलिसी होत्या.
दत्तक पॉलिसीमध्ये तुम्ही 5 वर्षासाठी ती दत्तक घेऊन त्या तिथला डेव्हलप करायचा, एक छोटासा बोज लावायचा. त्याच्यानंतर कालांतराने केअरटेकर पॉलिसी आली, कारण आपल्याकडे 2162 प्लॉट त्यावेळेला, मी ज्यावेळेला असताना त्यावेळेला मुंबई कॉर्पोरेशनमध्ये होते, त्यामध्ये RG असतील, PG असतील, स्कूल असतील, असे सर्व रिझर्वेशन असलेले प्लॉट होते. आणि याच्यामध्ये ज्यावेळेला केअरटेकर पॉलिसी आली त्यावेळेला केअरटेकर पॉलिसी न बनता देखील त्यांनी प्लॉट दिले. आणि त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की अशा पद्धतीने तुम्ही बांधा आणि हस्तांतरित करा. पण ते हस्तांतरित करताना केअरटेकरची पॉलिसी बनवायला पाहिजे होती, ती कॉर्पोरेशननी बनवली नाही. त्यामधल्या काळामध्ये मला वाटते 2000 साली अशी पॉलिसी बनवली होती, पण काँग्रेस शासनाने त्याला स्टे दिला. त्याच्यानंतर मला वाटते 2002 देखील बनवली होती, त्याला देखील स्टे आला. आणि आता जर बनवत असतील तर त्या पॉलिसीचं आम्ही नक्कीच स्वागत करू. केअरटेकरमध्ये असलेल्या जागेवरती 15% बांधकाम, 67% ओपन आणि 33% 15% बांधकाम, 10% ग्राउंडचं आणि 5% अपचं, असं 15% बांधकाम होतं. आता त्या पद्धतीने बांधकाम झालेलं आहे, OC मिळालेली आहे. पॉलिसी जोपर्यंत बनत नाही तोपर्यंत तुम्ही ज्यांनी बांधलेले आहेत, लोकांचा पैसा घेऊन लोकांनी लोकांसाठी बांधलेली असेल तर तुम्ही दायित्व येतं. त्यामुळे पॉलिसी बनवा, त्या पद्धतीने आम्ही करायला तयार. मैं इसके बारे में जरूर तो डिस्कशन करना चाहूँगा कलेक्टर और हमारे संबंधित VP, उनको लेके मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ और इसके अंदर से मार्ग निकालूंगा. सर गोपाळ शेट्टी ने देखील केअरटेकर पॉलिसीनुसारच आपण त्या संस्थेत चालू केला, पण त्यांनी अजून कोणी काही लोकांनी कन्स्ट्रक्शन केलेलं नाही. काही लोकांनी कन्स्ट्रक्शन केलेलं आहे. दायित्व तुमचं ज्यावेळेला तुम्ही तुम्हाला लेटर दिला त्यावेळेला लेटरमध्ये तुम्ही सांगितलं असेल की दायित्व तुमचं तुम्ही बांधून द्या. बांधून देताना तुम्ही सांगणार ना बाबा आता कोणत्या कलमाखाली, कोणत्या नियमाखाली आणि काय नियम आहेत आम्हाला, ते तर मागणार की नाही तुम्ही. तेच जर तुम्ही 2000 पासून आतापर्यंत जर करत नसाल तर ते चुकीचे. एक आखरी क्वेश्चन आहे, या प्रोजेक्ट संबंधित आखरी क्वेश्चन और झोपड़पट्टी मुक्त अभियान जो आपका सपना है साकार करने, कई बिल्डर यहाँ कार्यरत हैं तो ओंकार बिल्डर का ही चुनाव क्यों हुआ? पहली तो एक बात ये है कि बिल्डर चुनने का हक उधर के नागरिक को है. ये ओंकार बिल्डर को शासन ने नहीं भेजा है, लोगों ने भेजा है. और जहाँ जहाँ ऐसे कोई डिस्प्यूटेड होते, एक बिल्डर आता है, दो बिल्डर आता है, तीन बिल्डर आता है, तो बायोमेट्रिक लेने का हम लोग ने प्रबंध किया है. बायोमेट्रिक के माध्यम से जिस बिल्डर को ज़्यादा वोट मिलेंगे, जो बिल्डर उधर के लोग सिलेक्ट करेंगे उनको हम परवानगी देंगे. इसी के कारण ओमकार बिल्डर को जो ये किया है तो उन लोगों ने किया है, शासन ने नहीं किया. और उन लोगों ने जो किया है उसका हम लोग तो पहला प्राधान्य उनको ही देंगे ना, तो इसके लिए ओमकार बिल्डर को चुनना है. माइकल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे बिल्डर है, बिल्डर माफिया है जो मुंबईकरों को परेशान कर रहे हैं. मतलब उनको समय पे घर न देना, समय पे भाड़े न देना, ऐसे माफियाओं के खिलाफ या कुछ ऐसा कदम उठाया जा रहा है? जरूर कदम उठाया जा रहा है. ऐसे मुंबईकर रस्ते पे दोनों बाजू से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती. कई कारण है कि कई लोगों ने परमिशन डालने के लिए देने के बाद भी शासन के माध्यम से जो अधिकारी बैठे हैं वो तुरंत पास नहीं करते. एक कारण तो वो है, Annexure 2 नहीं देते, जिसका कारण मैंने पहला बताया. जो मुंबई कॉर्पोरेशन ने गए 10 साल में एक भी Annexure 2 प्रसिद्ध नहीं किया, माड़ा ने नहीं किया. 117 Annexure 2 मुंबई कॉर्पोरेशन के पास थे. तो बिल्डर के पास जितना पैसा होता है वो चाहता है कि मैं डेवलप करूं, मगर ये भी कारण है. मगर कई बिल्डर ऐसे 420 भी करते, तो ऐसे लोगों के लिए उनको हम लोग ने मुदत दी है. नहीं तो फिर वापस इलेक्शन, जैसा मैंने कहा कि बायोमेट्रिक के माध्यम से वहाँ हमारे जाके अधिकारी जाएंगे, इलेक्शन लेंगे. और उसके अंदर मैं Annexure 3 भी मांगा है, क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी ये दोनों भी होना चाहिए. उसके लिए Annexure 3, पहला Annexure भरने के पहला Annexure 1 Annexure 2, तो Annexure 3 भी उसके साथ उसकी कैपेसिटी है कि नहीं. नहीं तो कोई बिल्डर आते हैं 4-5 करोड़ रुपया लेके आते हैं, चार पाँच करोड़ रुपया खत्म होने के बाद हाथ में उनके अंदर कुछ नहीं होता, अभी किसी को और तीसरे को बुलाओ, चौथे को बुलाओ, और क्वालिटी नहीं मिलती. इसके लिए उनके Annexure 3 में मैं साथ में देना चाहता हूँ. और उनके ऊपर सख्त से सख्त, जो कोई ऐसा लोगों को फंसाने का काम करेगा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. जनता रुकी हुई है, सोल्यूशन देंगे सर. बहुत सारे ऐसे नागरिक परेशान है, उसके लिए क्या करें वो नागरिक जो बिल्डर इस प्रकार. इसके लिए मैं माड़ा में बैठना चालू किया है. बम्बई के अंदर जो भी कानून है हमारे 33-5 से लेके 33-11 तक हम लोग ये देखते हैं, यानी स्लम रिहैबिलिटेशन 33-10 के अंदर है. तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आके उसका सुझाव करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ.